राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही माफ कीजिएगा स्थगित हो गई है। लोकसभा सीधा चलते हैं, वहां की कुछ तस्वीरें। और जिस ढंग से आज ये इस माहौल क्रिएट किया गया है, मैं एक ही उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। इस सदन के और इस सरकार के एक मंत्री जो अपने भाई को उनका शव लाने के लिए वो हॉस्पिटल गए और पुराने नोट दिए, तो उस वक्त वो हॉस्पिटल ने ये कहा ये पुराने नोट नहीं चलते। और 8 तारीख के दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है ये कागज के टुकड़े हैं। और उन्होंने कहा जब ये कागज के टुकड़े हैं तो हम हॉस्पिटल वाले कैसे स्वीकार करें, तो इसलिए उनको चेक देकर आना पड़ा, उनको मनवाना पड़ा। और वो ये तो यहाँ तक कहे मैं माफी मांगता हूँ और मैं ये जाके जो आपको तकलीफ हो रही है और ये सामान्य जनता को भी ये तकलीफ हुई है, मैं प्रधानमंत्री को और गवर्नमेंट को जाके ये बताऊंगा। ये एक यूनियन मिनिस्टर कहते हैं, ये सबूत है। और कॉमन आदमी का क्या है, मजदूरों का क्या हालत है और दूसरे लोगों का क्या हालत है। इसीलिए मैडम हम ये चाहते हैं आप हमको ये एडजर्नमेंट मोशन के लिए अलाउ कीजिए, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। 70 से ज्यादा मैडम, हो गया ना खड़गे जी, 70 से लोग ज्यादा मर गए हैं, कम से कम 1200 घायल हो गए। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप अडजमेंट मोशन को अलाउ करो, हम आपके सामने सारी चीजें रखेंगे और उस वक्त मालूम होगा क्या मोदी साहब सच है क्या हम सच है क्या सारी जनता आ चुका रही। और दूसरी मैडम, दूसरी अब हो गया मैडम, सुदीप जी हो गया प्लीज, हो गया ना, क्या हुआ खड़गे जी, लंबा भाषण नहीं देना, मैंने थोड़ी सी बात बोली। यस कंप्लीट करो इस डेडलॉक को, खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, वो प्राइम मिनिस्टर सदन में आए, एडजमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमको बात कहने के लिए आप सम्मति दे, क्योंकि यह जनता का मामला है, 125 करोड़ जनता की समस्या है, सिर्फ एक दूसरे की नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ आप सम्मति दे और हम सबको बात करने के लिए यहाँ पर अवकाश करके दे। मैडम आवर टारगेट एंड आवर एम इज टू सी दैट द हाउस रन्स स्मूथली। We want house runs, so ruling party has a role to play. What will be my submission to the ruling party and to the government also? Yes. They try to find out a way that how we can come to a solution, that the discussion takes place, we can put our observation on the floor, let Prime Minister reply and a healthy debate takes place. Thank no you. Doubt. Yes. Madam, today in Kolkata, Mamata Banerjee now started a rally. Having more than 5 lakhs of people, just now she has started. Madam, what we are saying, that people's sufferings, if we don't discuss on the floor of the house, they will feel what for parliament is. If people are not aware that what the government is thinking and Prime Minister is not addressing the house, what the people will feel, what for we are parliament? Sufferings of the common people. अरे एक मिनट खड़ो ना, बोलते हैं सुनो ना, हाउस चलेंगे मैडम, सफरिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल आर एट अ स्काई रॉकेटेड हाइट, देयर इज नोबडी टू गिव देम रिलीफ, सो हाउ दे कैन गेट रिलीफ, हाउ दे कैन बी बेनिफिटेड, व्हाट फॉर ममता बनर्जी इज फाइटिंग सिंस बिगिनिंग फॉर द पुअर पीपल। तो खड़गे ये मांग कर रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाए, प्रधानमंत्री वहां सदन में मौजूद रहें और उसके बाद इस पूरे मसले पर चर्चा हो एडजर्नमेंट मोशन के साथ। अभी ये लोकसभा में आप देखिए, चलिए शुक्र इस बात का है कि वहां पर बातचीत चल रही है। और ये राज्यसभा की तस्वीर है, कुछ देर पहले गुलाम नबी आजाद ने कुछ कहा और उसके बाद स्थगित किया गया। अभी तक
75 लोगों की जानें चली गई, 4 साल से लेकर 95 साल तक के बोरबेरे साल, एक कर्नाटक के गोपाला शेट्टी है वो 96 साल के थे, उनकी भी मृत्यु लाइन में रहने से हुई। मैं कल ही देख रहा था कि एक टेलीविजन पर एक लड़की ने छलांग मारी 3 छत से कि उसकी शादी के लिए उसके परिवार को पैसा नहीं मिला। एक दूसरी दुल्हन मैं टेलीविजन पे देख रहा था कि किस तरह से बैंक से निकालने के लिए।